नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। नोएडा के ट्विन टावर मलबे में तब्दील। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के अवे ट्विन टावर में दोपहर 2:30 बजे ढह दिया गया। 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर को गिरने में सिर्फ 12 सेकेंड का वक्त लगा। ब्लास्ट के पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। टावर के गिरने के बाद प्रशासन के खिली ट्रेंस के 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रहेगी। यहाँ नोएडा पुलिस के 560 से ज़्यादा जवान तैनात थे। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। फिलीपींस में जहाज में लगी आग। साउथ मनीला के एक पोर्ट के तरफ जाते समय एक जहाज में आग लग गई है। खबर लगते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई तो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में ही कूद गए। घटना के समय जहाज में 88 यात्री सवार थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक घटना 27 अगस्त की है, जहां ओरिएंटल मिंडोरो प्रांत के कलाबंद शहर में साउथ मनीला पोर्ट पर जा रहा था। पोर्ट के लगभग 1 किलोमीटर दूर जहाज के दूसरे डेक में धुआं निकालने लगा, जो कुछ देर बाद ही आग की लपटें उठने लगी। जहाज पोर्ट के पास थी जब उसमें आग लगी, तो फिलीपींस कोस्टल गार्ड हॉर्न हरकत में आ गए और सभी लोगों को बचा लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि MV एशिया फिलीपींस जहाज में 38 क्रू मेंबर्स और 39 यात्री सवार। जहाज में कम से कम 16 कारें और ट्रक भी थे। जो हम आग में लगने के कारण को पता लगा रहे हैं। हादसे में कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जांच की जा रही है। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर गोवा CM का बयान। हरियाणा के भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या मामले की जांच CBI को देने की तैयारी है CM मनोहर लाल। इसको लेकर रात को गोवा के CM प्रमोद सावंत से बात की है। अब गोवा में CM ने कहा है कि जांच CBI को देने में उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही पूरे मामले की जांच पुलिस से लेकर CBI को दी जा सकती है। हालांकि प्रमोद सावंत ने पूरे मामले की जांच में अपनी पुलिस की पीठ भी थपथपाई है। बता दें कि सोनाली परिजनों को शनिवार देर साय CM मनोहर लाल को चंडीगढ़ में मुलाकात कर सोनाली फोगाट हत्या मामले की जाँच CBI से कराए जाने का अनुरोध किया था। भारत ने चीन को लतार लगाई। भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी शिप के एक हफ्ते दिन डेरा डाला, जिसको लेकर भारत ने विरोध दर्ज कराया। बाद में इस मामले पर श्रीलंका ने चीनी राजदूत को जेन होंग ने भारत पर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। चीनी राजदूत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारत ने चीन को लतार लगाई है। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन ने शनिवार को ट्वीट किया, श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है तो ना ही किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी दबाव किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरे करने के लिए किसी दबाव या अनावश्यक विवादों की है। हाई कमीशन ने इसे राजनयिक भ्रष्टाचार का उल्लंघन बताया। वह चीनी राजनयिक को फटकार लगाते हुए श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी भारत के बारे में उनका रवैया उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। सोरेन सभी विधायकों को नेतरहाट ले जा सकते हैं। आज झारखंड में 3 दिन से जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शनिवार को रांची पहुंचे। उन्होंने देर रात कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया। आज उनकी मुलाकात CM हेमंत सोरेन से होगी। इसमें वे आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इधर रविवार को BUPA के विधायक हेमंत सोरेन के साथ पिकनिक मनाने रांची से दूर जाएंगे। UPA के 3-4 विधायकों से बात की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रांची से 160 किलोमीटर दूर नेतरहाट जाने की बात स्वीकार की। हाल के आखिरी मौके पर इसमें बदलाव भी संभव है। शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायक सीधे खूंटी के लतरातू डैम पहुंचे। यहां पर सभी विधायकों के मुख्यमंत्री के साथ डैम में नौका विहार की के बाद सभी विधायक डैम के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। उसके बाद सभी वापस रांची लौट गए। खेरा की फिर से वर्डिंग को नसीहत। कांग्रेस के MLA सुखपाल खेरा ने फिर पार्टी के पंजाब प्रधान अमरिंदर राजा वर्डिंग को नसीहत दी है। खेरा ने कहा है कि मुझे लगता है कि नेताओं को भी एक छोटे वर्कर की सलाह भी दरकिनार करनी नहीं चाहिए। खेरा का यह बयान तब आया जब उन्होंने कल राजा वर्डिंग को कहा था कि व्यक्ति यानी पूर्व मंत्री भारत भूषण भाषु को पीछे पूरी पार्टी केडर की एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद जवाब में वर्डिंग ने कहा है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, इससे कत्र घट जाता है। वहीं कांग्रेस के आशु के स्पोर्ट में लुधियाना विजिलेंस ऑफिस बाहर लगाया धरना हटाने पर खेरा ने खुशी जताई है। सुखपाल खेरा ने यह भी कहा है कि मेरे बयान के कांग्रेस के भीतर ही लड़ाई ना बनाया जाए। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को भी संबंध नहीं है, इन्हें मैंने ईमानदार और सुझाव दिए। खेरा ने कहा है कि वह खुश हैं कि राजा वर्डिंग ने लोगों की आवाज़ सुनी और धरना हटा लिया।
अमित शाह बोले अब हर प्रदेश में एनआईए। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के विशेष विमान में आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर में एनआईए के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। शाह ने एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। इसके बाद शाह साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडियो स्टोरियम भी पहुंचे, जहाँ भाजपा की तरफ से @20 किताब पर परिचर्चा को आयोजन किया गया। इस चर्चा में अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुटकियों में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मोदीनगर में सड़क हादसे में 2 इंजीनियर की मौत। मोदीनगर हादसे में शनिवार रात तेज रफ्तार वाहन के सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि उन्होंने 2 साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। भारत पाकिस्तान के 6 यादगार मुकाबले क्रिकेट एशिया कप और भारत पाकिस्तान के मैच यानी रोमांच का ट्रिपल डोज 28 अगस्त को दुबई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सोशल मीडिया में ये हो या फिर गली मोहल्ला, इस मैच की हर जगह चर्चा है। वजह एक ही है, जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं तो तब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। इस मुकाबले में पहले हम आपको उन वाक्यों के बारे में बताते हैं कि जो यादगार बन गए थे। 1986 जगह यूएई का शारजाह में ट्रॉफी एशिया कप, हाल की तब इसका नाम ऑस्ट्रेलिया कप रखा गया था। 36 साल पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने ऐसी पारी खेली जिसके चलते आज ही कई दिग्गज क्रिकेटर्स को भी आज नींद नहीं आते। भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जा रहा है। भारत ने पहले बैटिंग की तो 246 का टारगेट दिया, 7 विकेट भी गिरा लिए, लेकिन जावेद मियांदाद दीवार बनकर खड़े हो गए, शतक भी मारा। अब बारी आखिरी ओवर की तो चेतन शर्मा को सौंपा गया। शहनाज गिल ने गाया नेहा कक्कड़ का सॉन्ग बिग बॉस 13। फेम शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। शहनाज इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी सिंगिंग का हुनर दिखा रही है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सिंगिंग वीडियो शेयर की जिसमें वो नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल का सॉन्ग तारों के शहर में गा रही हैं। वीडियो में शहनाज ने वाइट मिकी माउस टी शर्ट पहनी हुई। शहनाज ने पिछले दिनों फिल्म कबीर सिंह का सॉन्ग क्या हाल हो गया है गाते हुए एक वीडियो शेयर की थी। फैंस उनको इस अंदाज में काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को ये सॉन्ग सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला की भी याद आ जाती है। शहनाज का वीडियो पर एक यूजर ने लिखा आपकी आवाज़ हमारे दिल को छू जाती है। वहीं दूसरे ने लिखा है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुबह की 10 ताज़ी खबरें, ऐसे अपडेट्स कर बने रहे हमारे समय। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।